देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर 4 इंच के और दूध की धार बंद की, वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थंबा दिया कि ले महात्मा जी, आपकी महिमा अपरंपार है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पा लियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो, ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है। इस पवित्र पशु के माध्यम से तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठकर चले गए कि हम नहीं पीवा, ये पाप का दूध है, कंवारी गाँ का दूध निकाल दिया जा दूध अंतर करके। और फिर दूसरे, तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तू कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लव महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें, और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहाँ ऐसा स्थान बता रहे हो आप कि कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहाँ कभी सूखा नहीं गिरता, क्योंकि जिस समय गरीबदास साहेब जी छुडानी गांव में जन्मे थे, वहाँ मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहाँ हर एक चीज का अभाव रहता था, वर्षा हुई तो खाने के गेहूँ, खाने के ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूँ तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहाँ परमात्मा ने बताया कि वहाँ बिन बादल वहाँ वर्षा होए और असंख्य वहाँ पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, और सदा बाहर पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक महित घूम रही हो, वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान, वो खराब नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है
दो घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर अमर पदार्थ हैं। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से दरी या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में, सबसे और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा, और उसका अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से नीचे वास बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, तो 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं, ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में, लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था, इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे हम जीवों के लिए, अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हों, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सकें कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर सब, फिर वहाँ जा करके उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वहाँ हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ के वहाँ शरीर का इतना इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और गर्मा द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर बर्मा द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा को पार करके ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहाँ विराजमान होते हैं।
जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए छत्र के नीचे बहुत बड़े गुम्बज के अंदर परमात्मा वहाँ बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णो साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहाँ परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था, कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से, और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर हैं, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान, वहाँ तो मन चकित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे, वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान जो तेजो में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उस पर बैठ के असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने मोते जो मैं शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए, और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजो में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं, ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहाँ पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ घंटियाँ बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है, ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धारणक रूप में रहा था, और मैंने वहाँ अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैसे थे, सेठ से, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, और बेटा 120 वर्ष वहाँ रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आँखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनका
उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, जा तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ अपने भाई बहनों में खेलूँगा बैठूँगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुनों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहाँ पर। उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति क्रम नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, सत्य ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद, 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले वहाँ से, उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा टाइम, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहाँ नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली के, 2 घंटे आप खड़े हो गए, 2 घंटे आप खड़े हो गए, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जो ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज़ लगाई कि दौड़ के आओ, भाजो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था उस स्थान से जहाँ पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया, जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहाँ से बच्चे को, शव को घर ले आए, घर ला करके फिर श्याम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था, वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहारे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गुड़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं,
या लड़की इस बच्चे को देख देख कर, जैसा भी बावड़ा है पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ पर जीवित तो हो गया, लड़की ने पेट पर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फरी हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे, गांव में वहाँ जाते थे, उनको दिख उनके घर रुकते थे घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, जंगल में खेल रहे थे बनी में, 2-4 बच्चे और भी बैठे थे, तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे वो, तो वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोक है वहाँ पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहाँ तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहाँ ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और गाय के कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयजल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र। इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहाँ परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाओ। एक करमंडल था उनके पास अपना, जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूँगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया और जो बच्चे और बैठे थे वह उठ कर चले गए। कहने लगे, हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहाँ छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई, उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे, वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहाँ अचेत पड़े थे।
तब उन्हों बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंत्र करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, मां रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लग गए और उस वाणी को उस गांव वाले भी समझे कि पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा न कोए, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोए तज शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन मही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरी तानीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सर गुण में रीज रहा
कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोसे कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजन हारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा, और तब जाके हमारे हृदय में समावगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों की पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए, और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी खड़े कर देगा, 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से सुनकर, इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जावे। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाह था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो अपने आत्मा परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी। जिसके पास 10-20 लठाड़े होते वो किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है, तो वो तो आपे भगवान है। जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है, भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को, परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करना। और रविदास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहेब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा है, कि जो जो शरण कबीर के तरगे अंत पार, करो कितने पार हो गए, और दादू गुण की केता कहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, अर्थात दू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए,
अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरण शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए, मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दिया उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आमले छन मही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीन लोक में दादू जोड़े थे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहेब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समरथ शक्ति है दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहेब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा, यहाँ का भी धान ऐसा, चाहे वो किसी तरह प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप ते वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहाँ से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप ते वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे और अस्थि के अस्वार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुराता रहे,
भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे, यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए होए, अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थाम, कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा, पता है उसको, और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहाँ की महिमा आँखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से, दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा, और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुख सीर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप और आम भग आम जगत में कितना अंतर हो गया, आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तम्बाखू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दी। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे, और अन्य समाज सारा दिन दो रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में के, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलावेगा वही ऊट पटांग बातें अटपट, और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैणी कर रहे हो, कभी सुबह की नित नियम कर रहे हो, कभी श्याम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो, और आपका तो देखो आप कैसे हो गए, अब आप यहाँ थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुनक्षीण हो रहे हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया, आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो नीचे को जा रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपने आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं, दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया, और कोई कहता हम झाड़ौदा
की मैं पूजा करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था, और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहिब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआ, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है, तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सुफिशियंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहाँ पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादश सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है, तो वो तो समझो एक कूप थे, और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज़्यादा उसका अवकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ, दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर, होय होय दरिया, यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और केते धरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है उसका श्वास उश्वास से स्मरण कर लो, इससे जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया, कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीज रहा कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कही न जाए, दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया है गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाण, जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा, जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पौंत से दूर हो चुके, अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना,
सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 10-13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लग गए, बावड़िया बावड़िया कहने लग गए, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, संन्यास ले रखा था, बच्चों से फरी होकर के वो छुड़ानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया एक संत ने, जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे ग्वाले उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूढ़े लवा लिए, और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं हो रहा। और कहते हैं जी, वो शिष्य कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना, वो भी जाने था। अब बुला के लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके, तो दादू ने उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने कुछ 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बिरतास का जठरग्नि प्रपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी महंत संत गोपाल दास के हृदय में हलचल माच गई, और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार है, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े पीछे पीछे वो 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका असर हो गया, इसका साथ है साथ हो लिया। अब वो के जान, जब दादू पंथी संत ने कहा गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया के कर ले दुनिया सैणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु बन गए, और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूँगा लिखवाऊँगा, कदे कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी होकर आया हूँ घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूँ, आप दया कर दो लिखवा दो दाता,
कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीब दास जी बोला करते थे। गरीब दास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर उस स्थान था, वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीब दास जी बोला करते थे और दादू पथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आँखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीब दास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए, क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में और उनने कहा था पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे, तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा, परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा, तेने कैसा जुल्म कर दिया अरे भले आदमी, इन बच्चे थे इनसे तो गलती होगी और आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा कोई गधी बना रखी कोई कुत्ता कोई कुतिया हैं गंदी नाली के कीड़े, तेरे को लज्जा नहीं आती। तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1,00,000 मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1,25,000 उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जा कर दिखा तेरे को बनाऊँ ठीक, तू आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा, और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमरण कर प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का सतनाम प्राप्त सात सतनाम का सुमरण शुरू कर देना चाहिए, किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो तो भाग जाएगा कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमरण कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है तो चापलूस बन गया ये काल और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नू कहे तो मेरा बड़ा भाई मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है, तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई मैं आपका छोटा भाई, अब छोटे तो गलती करते हैं बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है माफ़ कर दिया। तब काल कहने लगा मुझे कुछ आवश्यक मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या चाहता है कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए
तब कहा कि तीन युगों में परमात्मा ने ये कहा था मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे, यो प्रतिज्ञा करवा ली कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया। प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना और जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली उसकी सारी डिमांड, और भी दो तीन थी वो फिर बताएंगे अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया बसमा गिरी की तरह और कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसार। कहते द्वादश पंथ करो मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा और इनको इतना विकारी बना दूंगा और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा और तब तुम जाओगे। तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब जीवों को भरमा दूंगा और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोग जीत, अवश्यक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ इसी से निकली ब्रांच, जय गुरुदेव पंथ मथुरा और दनोद वाला जो ताराचंद वाला और दन दन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ गंगुआ के आसपास यहाँ वाला ठाकुर जी वाला और ये राधा स्वामी ब्यास वाला आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे मेरे वकील बनकर खड़े हो जाए। तो परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे?
तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूँगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे जब अपना दास भेजूँगा उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी सीडी डीवीडी बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जावेगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है, अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।